गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जयेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। इस पीरियड में हम मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में तथा एक दूसरे प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 120 मीटर है, को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर और 100 मीटर। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, क्या हमसे पूछा गया है और क्या हमें इसमें करना है। तो ये हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है और दूसरे प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 120 मीटर है उसमें उसको 15 सेकंड में पार कर रही है। मींस एक ट्रेन जो है दो प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करती है, पार करती है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 162 मीटर है जिसको 18 सेकंड में गाड़ी क्रॉस कर रही है। दूसरी की लंबाई जो है प्लेटफॉर्म की 120 मीटर है जिसको 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। आपको बताना है प्लेटफॉर्म की लेंथ तो आपको दे रखी है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, जो ट्रेन की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, जिसमें 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर और 100 मीटर, इन चारों में से आपको आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई को x मीटर मान के सॉल्व करेंगे इसको, और x मीटर में प्लस आपका 162 फर्स्ट प्लेटफॉर्म का और सेकंड में 120 जो आपका सेकंड प्लेटफॉर्म का ओवर में डिस्टेंस में आ जाएगा। मींस x प्लस 162 ओवर 18, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड में आपकी x प्लस 120 ओवर 15 सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले हम मानते हैं क्या, रेल माना, रेल गाड़ी की लंबाई, माना रेल गाड़ी की लंबाई x मीटर, x मीटर आपने रेल गाड़ी की लंबाई को मान लिया,
ठीक है। अब कंडीशन जो दे रहा है आपको, पहली शर्त क्या है कि 162 प्लेट मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये पहली कंडीशन है। पहली शर्त के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग रेलगाड़ी की चाल अगर करोगे, रेलगाड़ी की चाल जब आप ज्ञात करोगे तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस में 162 ओवर में कितने, ये देखिए लेंथ ये तो होगी एक्स जो ट्रेन की लंबाई है, प्लस में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 162 मीटर, और इस 162 मीटर को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है कितना, 18 सेकंड का। ये पहली शर्त होगी। सेकंड शर्त जो है हमारी, दूसरी शर्त में जो हम सापेक्ष गति निकालेंगे ट्रेन की, चाल स्पीड निकालेंगे, तो सेकंड सिचुएशन में रेलगाड़ी की चाल जो है आपकी हो जाती है क्या, कि यहाँ पे x162 था, इसमें 120 मीटर अगर लेंथ है तो ट्रेन प्लस 120 सेकंड प्लेटफॉर्म की लेंथ ओवर में, इसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है कितना, 15 सेकंड का, या 15 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन या दो समीकरण हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए, इनको सॉल्व करेंगे हम कैसे, एक्स प्लस 162 ओवर 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 120 ओवर में 15। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपका क्या आ जाएगा, 15 इंटू एक्स प्लस में 162 इज इक्वल टू 18 एक्स प्लस में 120। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका 15x प्लस में 162 को जब आप 15 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 5 टू द 10 और 5 6 द 30 और 1 30 1 3 और 5 1 द 3 और 8 8 हो जाता है आपका, ठीक है, 2 1 द 2 6 1 द 6 और 1 1 द 1 मींस 0 3 14 और ये 2 2 4 3 0 आपका आ जाता है, 2430 इज इक्वल टू, अब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो 18x प्लस में 120 की आप 18 से करोगे तो 0 8 टू 16 8 1 जा 8 और 1 9 इनटू 0 2 1 मींस 0 6 9 टू 11 और ये आपका 2 2160 आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम एक्स वाले और विदाउट एक्स के सॉल्व करेंगे, तो एक्स वाले के लिए हम 18x आपको दे रखा है, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 15 आपका हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब 243 को आपने एज यूजुअल यहीं पे रखा 2430 और इसको इस साइड में लेके जाओगे तो माइनस का 2160 आपका हो जाता है। 18x में से 15x आपने जब घटाए तो आपका 3x आ गया, इसको 2430 में से आप घटाओगे 612 तो आपका 0, 13 में से 6 गए तो आपका 7 बच जाता है, 3 3 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, तो 270 आ जाता है। तो x जो है आपका 270 ओवर 3 हो जाता है, 3 3 9 और ये 0, 90 आपका x आ जाता है। इट मींस x आपने किसको माना था, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, तो गाड़ी की लंबाई जो है आप बता सकते हो वो 90 मीटर होगी, रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर है। तो ऑप्शन में देखें हमारा, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियां एक
दूसरे की ओर दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमश या सीरीज में 54 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि पहली रेलगाड़ी 250 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लें तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके 145 मीटर, 180 मीटर, 230 मीटर या 260 मीटर। तो इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे कि क्या इसमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमश चल रही हैं, जिसमें एक रेलगाड़ी की स्पीड जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की रफ्तार जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मीन्स दो गाड़ी आमने सामने एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है, ठीक है। उनमें से जो एक रेलगाड़ी है उसकी स्पीड आपको 54 किलोमीटर दे रखी है, दूसरे की स्पीड, दूसरी गाड़ी की स्पीड जो है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब एक ट्रेन की जो है, पहली वाली ट्रेन जिसकी 54 किलोमीटर स्पीड है, उसमें आपको 250 मीटर लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है इसकी रेलगाड़ी की, पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको 250 मीटर दे रखी है। और ये भी बताया है कि ये दोनों गाड़ी जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्रॉस जो है 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। आपको ये बताना है कि दूसरी वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, दूसरी वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। ऑप्शन है आपके 145 मीटर, 180 मीटर, 230 मीटर या 260 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली रेलगाड़ी जो है उसकी चाल देखेंगे। पहली रेलगाड़ी की चाल, देखिए जब हम रेलगाड़ी की चाल की बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा भी था कि रेलगाड़ी की जो चाल होती है अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी जाती है, यदि आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी जाती है तो वो आप 18/5 में शो करते हो। लेकिन अगर रेलगाड़ी की स्पीड आपको की चाल अगर आपको मीटर पर सेकंड में दी जाती है तो इसको हम 5/18 मानते हैं। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाए तो आप उसको
18 बटे 5 में कैलकुलेट करते हो, अथवा दूसरी सिचुएशन में मीटर या सेकंड में आपको दिया जाता है तो आप उसको 55 ओवर 18 में कैलकुलेट करते हो। तो जो पहले वाली चाल है उसको अगर हम देखें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, आपको पहली रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपको दे रखी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 54 into 5 over 18 वाली शर्त में हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ हमें मीटर में दे रखी है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमें मीटर में ज्ञात करनी है, तो हम इसको 5 over 18 में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से आपने किया तो 18 3 54 आपका होता है, 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकल आती है किसकी, पहली ट्रेन की चाल। जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड आप देखोगे 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरी रेलगाड़ी को वैसे देखेंगे हम, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की दे रखी है हमें, और हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 48 into 55 over 18, इसको आप कैंसिल करोगे तो 6 से आपका कैंसिल होता है, 6 8 48 और 6 3 18, 8 5 40 over 3 आपका यहाँ पे आ जाता है, तो 43 मीटर पर सेकंड, ये आपने मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकाल लिया, वैसे आपको दे रखा था किसमें, आवर किलोमीटर आवर में, ठीक है। तो अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन किलोमीटर से जब आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड निकल आई 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम दूसरी जो हमारी मेन बात है क्या, दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसको हम मान लेंगे लंबाई x, हमने उसको मान लिया। अब दोनों की सापेक्ष स्पीड निकालेंगे, फर्स्ट ट्रेन की और सेकेंड ट्रेन की, तो दोनों रेल गाड़ियों की सापेक्ष गति या एवरेज स्पीड आप निकालोगे, सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल निकालोगे दोनों को करना पड़ेगा आपने, तो x सॉरी पहले वाले की जो है 15, पहले वाले की कितनी आएगी आपकी 15 प्लस में ये कितनी है आपकी 40/3, ये होगी आपकी फर्स्ट ट्रेन की, ये होगी आपकी सेकंड ट्रेन की, ठीक है। अब इन दोनों को आप करोगे सॉल्व तो आपको मालूम है यहाँ पे एलसीएम आपका 3 आ जाता है, तो 3 आ गया, तो इसको किया आपने 15 3 45 3 1 था 3 और 15 3 45 प्लस में इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया 1 और 40 मींस ये आपका 85 ओवर 3 आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज और है, 18 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, 18 सेकंड में दोनों रेलगाड़ियां जो हैं एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो एक सिचुएशन हम 18 सेकंड वाली रखेंगे प्लस 250 प्लस एक्स, एक तो ट्रेन की ये लंबाई होगी, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को हमने माना है क्या एक्स, बटे में उनकी जो स्पीड आनी है टाइम वो स्पीड सापेक्ष स्पीड जो है 85 ओवर 3 आ रही है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो है 250 प्लस में x और इसको सॉल्व करोगे तो 510 आपका आ जाता है, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 510 माइनस 250, तो 510 में से 250 को जब आप घटाओगे तो 0, 11 में से
पांच गए छह, यहाँ में थे चार, चार में से दो गए, ये 260 आपका आम है। मीन्स दूसरी वाली गाड़ी जो है उसकी लंबाई जो जितनी है 260 मीटर हो जाती है। मीन्स आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन देखिए। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी छह किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को चार सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके 75 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर या 150 मीटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि एक गाड़ी है जिसकी स्पीड जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक व्यक्ति की, एक लड़के की है जो दौड़ रहा है। मींस यहां से अगर ट्रेन जा रही है, यहां से अगर ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसकी ऑपोजिट दिशा से एक लड़का दौड़ रहा है जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे है इस साइड से, और इस साइड से ट्रेन जा रही है ऑपोजिट दिशा में, इन दोनों का आमना सामना जो है ट्रेन का और बच्चे का होता है, और ये 4 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। ट्रेन 4 सेकंड में उसे क्रॉस करते हुए चली जाती है। आपको यह बताना है कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। ऑप्शन आपके 75 मीटर, 80 मीटर, 110 मीटर या 150 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले सापेक्ष स्पीड की बात करें या एवरेज स्पीड की बात करें दोनों की, सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल हमें दो चीजों की निकालनी पड़ेगी, एक तो जो ट्रेन की है वो प्लस लड़के की है जो वो, तो दो चीजें दे रही है, दो चीजों की स्पीड है, लड़के की चाल है और एक ट्रेन की चाल है। तो ट्रेन की चाल तो आपको दे रखी है कितनी 64, प्लस में लड़के की चाल है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये हो जाती है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर टोटल एवरेज स्पीड जो आपकी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखें, जैसे हमने
पहले ही डिस्कस किया था, मीटर सेकंड अगर आवर से आप कर रहे हो, आवर किलोमीटर से कर रहे हो तो 18/5 से कैलकुलेट करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड से अगर आप कर देते हो तो 5/18 से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हमने पिछले समय में डिस्कस किया था। तो ये हमारी टोटल स्पीड होगी। इसमें मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से इसको सॉल्व करेंगे। 5/18 से हमने इसको सॉल्व किया तो 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 90 3 से कैंसिल किया 3 × 3 = 0 और इसको किया 3 × 6 = 18 और इसको किया 5 × 6 = 30 5 × 25 meter per second हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम आवर से करते तो ये 18 × 5 हो जाता है, 19 × 18/5 हो जाता है, लेकिन हम इसको मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इसमें 5/18 से हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, क्या माना रेल गाड़ी की लंबाई, माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है, x मीटर हमने रेलगाड़ी की लंबाई मान लो, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 25, ये जो आपकी संख्या है इज इक्वल टू x जो है आपका, आपने रेलगाड़ी की लंबाई को माना है और 4 सेकंड जो आपको समय दिया है, 4 सेकंड में वो क्रॉस कर रहा है, तो हम इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 × 4 आपका 100 आ जाता है। तो इस तरह से x को हमने माना था क्या, ट्रेन की लंबाई, तो जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो 100 मीटर आ जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किए, स्पीड टाइम और डिस्टेंस के। भविष्य में जो अगली कक्षा होगी आपकी, उसमें कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।